आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक। नवंबर में भी मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज 19 नवंबर को फिर 6 केस सामने आए हैं। इसमें भोपाल इंदौर में फिर प्रकरण मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 71 हो गई है। राहत की खबर है कि 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इसके साथ ही संक्रमण की दर 0.01% और रिकवरी रेट 98.7% हो गया है। वहीं भोपाल में एक डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई है। इससे पहले 15 नवंबर को इंदौर में एक मौत भी रिपोर्ट हुई है। इधर राजधानी भोपाल में करीब 25 दिन बाद कोरोना जेपी हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता की पत्नी रश्मि गुप्ता की मौत हो गई। वे 3 दिन पहले AIIMS के ICU में भर्ती हुई थी। हैरानी की बात यह है कि 62 साल के डॉक्टर गुप्ता और उनकी 55 साल की पत्नी को फरवरी में ही वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके थे, लेकिन 15 नवंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और संपर्क में आए लोगों की जांच करवाई जा रही है। भोपाल में अब तक कोरोना से 1002 मौतें हो चुकी हैं, हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में 1001 मौत ही है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।